हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब सर्दियां होती है तो हम बच्चे को कुछ भी खिला देते हैं, हर ऑप्शन बच्चे के सामने होता है। बच्चे के वेट गेन में हमें बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जिनको हम बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों गर्मियों में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ में आती है कि बच्चे को क्या खिलाएं जिससे कि बच्चे को उससे गर्मी भी ना हो, गमोरिया रैशेज से भी बच्चा बचा रहे, साथ में दोस्तों बच्चे का जो वेट है, जिन बच्चों बच्चे अंडर वेट हैं उनका वेट भी अच्छे से बढ़े और बच्चा हाइड्रेट भी रहे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे बहुत से ऑप्शन लेके आई हूँ जिनके थ्रू आप बेबी का वेट बढ़ा सकते हैं। अगर आपका बच्चा अंडर वेट है तो आप बेबी का वेट बढ़ा सकते हैं। अगर आपके बच्चे का वेट सही है तो दोस्तों आपके बच्चों को हाइड्रेट रखने में, गर्मी से, गमोरियों से, रैशेस से और लू लगने से आप बच्चों को बचा सकते हैं। इन ऑप्शंस को आप ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस तरह के बहुत सारे बेबी केयर वीडियोस के लिए मेरा चैनल ममाजिन बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ मैं इस तरह के बहुत से वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ। साथ में दोस्तों आप बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों गर्मियों में हमें बच्चों को इस तरह के फूड्स देने होते हैं जिनमें बहुत अच्छी मात्रा में पानी हो, साथ में दोस्तों जो बच्चे को पूरे दिन तरोताज़ा रखें, बच्चे को लू से, घमोरियों से, रैशेज से, गर्मी लगने से बचाएँ और दोस्तों साथ में बच्चे को एक्टिव रखें और बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में और बच्चे के अच्छे डाइजेशन में हेल्प करें। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको मैं कुछ एक ऑप्शन देती हूँ, वो आपको बच्चे को उस तरह से देने हैं जिनमें दोस्तों सबसे पहले आपके बच्चों को आप तरोताज़ा रखने के लिए गर्मी में खिला सकती हैं छाछ और दही। छाछ और दही का दोस्तों आप सेवन करेंगी तो इससे आपका बच्चा पूरे दिन हाइड्रेट रहेगा। इसी के साथ दोस्तों आपके बच्चे को ठंडक रहेगी और छाछ से दोस्तों जो बटर मिल्क होता है वो दोस्तों बच्चों के लिए बहुत, बच्चे हो बड़े हो सबके लिए बहुत हेल्दी रहता है। और जो दोस्तों सारे सीजन में बच्चों को कर्ड खिलाते हैं वो भी बच्चों को कर्ड खिलाएं, लेकिन हाँ आपको दिन में 11-12 बजे बाद के बाद कर्ड नहीं देना है। साथ में दोस्तों अगर आपका बच्चा कहीं बाहर धूप में से आया है या स्कूल से आया है या कोई क्लासेस से आया है तो उसके बाद भी आपको दही नहीं खिलाना है, नहीं तो दोस्तों इसका नुकसान भी हो सकता है। मॉर्निंग में 9 to 10 के बीच में आप बच्चों को कर्ड खिलाएँ। कर्ड एकदम फ्रेश होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए और बच्चा अगर गर्मी से घर पर आ रहा है तब आप बच्चों को कर्ड नहीं खिलाएँ, नहीं तो इसका उल्टा नुकसान हो जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों आप इसके अंदर दे सकती हैं बच्चे को फ्रूट्स। फ्रूट्स में दोस्तों आप बच्चे को वाटरमेलन जूस दे सकती हैं या फिर दोस्तों मस्क मेलन जूस आप बच्चे को दे सकती हैं या फिर दोस्तों जो भील होता है मार्केट में वो भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उसका जूस आप बच्चों को दे सकती हैं। अगर आपके बच्चे का वेट कम है, आप बच्चे का वेट बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों ऐसे में आप बच्चे को बनाना मिल्क जो शेक होता है यानी कि बनाना का वो आप दे सकती हैं। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो आप उसको पपाया शेक दे सकती हैं। और इसी के साथ दोस्तों ऐसे ढेरों ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे अगर आप आसपास देखेंगी। ऑरेंज जूस आप बच्चे को दे सकती हैं। ये सारे ही जूसेस दोस्तों बहुत बच्चे के डाइजेशन के लिए अच्छे रहते हैं, बच्चे के वेट गेन में भी हेल्प करते हैं, बच्चे को पूरे दिन ये हाइड्रेट रखते हैं। इसी के साथ दोस्तों जिन बच्चों के गमोरिया रैशेस की प्रॉब्लम हो जाती है उनको अब अगर आप रेगुलर मात्रा में ये देती हैं जूसेस, और दोस्तों सीजनेबल जो फ्रूट्स होते हैं उनके वैसे भी बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। अगर आपके आसपास जैसे सीजनेबल फ्रूट्स इन दिनों वाटरमेलन चल रहा है वो आप देंगी, उसका जूस बच्चे को देंगी तो दोस्तों बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ये सारे ही जो दोस्तों जो फ्रूट्स हैं इनमें प्रचुर मात्रा में फाइबर्स मिलते हैं, विटामिन सी मिलता है, विटामिन ए मिलता है, विटामिन बी मिलता है, कैल्शियम मिलता है, आयरन मिलता है, पोटेशियम मिलता है, इतनी सारी चीज़ें मिलती है कि बच्चे का जो ओवरऑल ग्रोथ है उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें मॉर्निंग में 9 o'clock से लेके और 2 o'clock यानी कि दोपहर 2 बजे तक आपको कोई भी फ्रूट या फ्रूट जूस बच्चे को देना है। लेकिन हाँ, 1 साल से छोटे बच्चों को आप फ्रूट जूस नहीं दें क्योंकि इनमें फाइबर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए 1 साल से छोटे बच्चों को डायरेक्ट फ्रूट देने की एडवाइस दी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें है नारियल पानी, कोकोनट वाटर। दोस्तों इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, ये दुनिया का सबसे प्योर वाटर होता है और ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो बच्चे ही नहीं बड़ों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो अगर आप आपके बच्चों को गर्मियों में कोकोनट वाटर पिलाती हैं, 6 महीने बाद से ही दोस्तों बच्चों को कोकोनट वाटर दिया जा सकता है। ये बहुत अच्छे से बच्चों को डाइजेस्ट होता है।
और इसके दोस्तों बेनिफिट्स तो इतने ज़्यादा हैं, इसमें भी दोस्तों भर भर के न्यूट्रिशन होते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, जिंक होता है, बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर होते हैं जो कि बच्चों को हाइड्रेट रखने के साथ बच्चों को हेल्दी रखते हैं, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो आप बच्चों को गर्मियों में कोकोनट वाटर भी ज़रूर पिलाएं। लेकिन हाँ दोस्तों, आप कोई भी फ्रूट बच्चों को बाहर का कटा हुआ नहीं दें, घर का कटा हुआ दें, फ्रिज से निकला हुआ डायरेक्ट कोई भी फ्रूट बच्चों को नहीं दें, नॉर्मल टेम्परेचर का दें, जूस दोस्तों आप फ्रेश दें। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।